हे गाइस एंड वेलकम बैक टू पावर चार्ज गेमिंग। गाइस आज हम देखने वाले हैं सीओसी के हिस्ट्री में सबसे बड़ा हंट गाइस, जो कि किया था केआर अनस्टॉपेबल क्लैन ने। एक फिलीपींस या कुछ और ही था, इंटरनेशनल लोकेशन था उसका, मुझे नहीं पता, उसका नेम भी नहीं पता गाइस। यहां पे देख सकते हैं आप, केआर अनस्टॉपेबल वर्सेस एक क्लैन है जो कि लेवल 13 का है एंड केआर अनस्टॉपेबल अभी अभी बिल्ड किया है सिर्फ हंट के लिए। सो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उनके 10x10 ट्रिपल अटैक। तो पूरे तो अटैक नहीं देखेंगे, बस दो तीन अटैक देखेंगे। मतलब जो केआर अनस्टॉपेबल था उन्होंने 15 अटैक में पूरे 30 स्टार स्कोर कर लिए। अभी यहाँ पे चलो देखते हैं। एक नंबर ने देखना एनिमी के ट्रिपल कर दिया, दो नंबर ने ट्रिपल कर दिया, सॉरी सिक्स पैक मार दिए दोनों, देन फाइव नंबर ने एंड एट नंबर ने सिक्स पैक मार दिया एंड एक एक बंदे ने ट्रिपल किया। और सो गाइज बहुत ही ओपी क्लैन था। अभी इनकी वॉर विन स्ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे देखना 98 की वॉर विन स्ट्रिक है गाइज, जो कि इस वॉर के बाद रेस्ट इन पीस हो जाएगी क्योंकि ऑल क्लैंस हैव स्कोर्ड इक्वल स्टार्स। सो यहाँ पे जो एनिमी क्लैन था गाइज, उन्होंने तो 10x10 ट्रिपल कर दिए, बट ऐसा नहीं है कि उनको विन दे देगा सुपर सेल, इतना अच्छा तो नहीं है। तो चलो अभी एक दो अटैक देखते हैं हम बंदे के। यहाँ पे वॉर मशीन ने किया था, वॉर मशीन का सेकेंड अटैक देखते हैं हम दो नंबर पे। गाइज इस वीडियो में दो तीन अटैक है, तो इंजॉय करना वीडियो को। यहाँ पे देखना दो गोलेम, दो विच एंड 19 हंगराइडर के साथ अटैक कर रहा है वॉर मशीन। इसने लिया है एक स्केलेटन स्पेल क्वीन के लिए। सो दो गोलेम ड्रॉप कर दिए टैंकिंग के लिए एंड उसके पीछे विजार्ड्स ड्रॉप कर रहा है। फनेल बनाना तो थोड़ा ईजी था गाइज इस बेस पे, क्योंकि ऑलरेडी फनेल था। सो दो गोलेम टैंकिंग के लिए ड्रॉप करके विजार्ड ने फनल बना दिया, देन उसके पीछे विचेस एंड हीरोज आ रहे गाइज। तो सीसी निकली थी यहाँ पे, एक बेबी ड्रैगन, एक वॉलकरी एंड विच, जो कि टाउन हॉल 9 का सबसे स्ट्रांगेस्ट सीसी है। सो जो क्वीन है, किंग है, वो अभी भी मतलब टारगेट कर रहे हैं एनिमी के डिफेंस को। विच अभी तक मरी नहीं एंड बेबी ड्रैगन भी नहीं। सो चलो सीसी तो डाउन हो गई अभी एंड जो विचेस थे दोनों अलाइव है एंड हीरोज भी। सो गोलेम तो मर गए यहाँ पे टैंकिंग करते करते, बट कोई नहीं, बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे दिया उन्होंने। लगभग 27-28% बेस अभी डाउन हो चुका है एंड अभी जो एनिमी की क्वीन है वो तो अपोजिट साइड में थी, तो इसका प्लान सही था एनिमी क्वीन के लिए स्केलेटन स्पेल लेना। गाइज काफ़ी क्लैन जो है इंडिया के एंड बाकी भी कंट्रीज़ के क्लैन जो कि स्ट्रिक बिल्ड करने पे फोकस करते हैं गाइज। स्ट्रिक बिल्ड करने से कुछ ना होगा यार, मतलब सबसे अच्छा यही रहेगा कि अपने क्लैन को लीग में पार्टिसिपेट कराओ, वहाँ पर खेलो। स्ट्रिक बिल्ड करने में कुछ मज़ा नहीं है यार, मतलब जब टूटती है तब बहुत दर्द होता था। तो जब भी स्ट्रिक बिल्ड करते हो आप लोग, एक बात ध्यान में रखना, स्ट्रिक कभी ना कभी टूटने वाली है कोई ना कोई, मतलब सारे बंदे की नज़र आपके क्लैन पे पड़ी रहती है, तो हंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा गाइस कि स्ट्रिक पे फोकस ना करो, लीग में फोकस करो। अच्छे क्लैंस के साथ वॉर लगती है तो उसमें फोकस करो। स्ट्रिक अगर आपके मतलब अच्छे क्लाइंट्स के साथ वॉर लग गया ना, तो आपकी स्ट्रिक कितनी भी रहने दो, स्ट्रिक एक ना एक दिन तो टूटनी है। हमने भी बहुत बार ट्राई किया था स्ट्रिक बिल्ड करने का, बट अभी हम स्ट्रिक पे वगैरह फोकस नहीं करते। लीग खेलो, अच्छा है लीग, प्रैक्टिस करो, फ्रेंडली वॉर्स खेलते रहो, वहाँ पे भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्लाइंट्स है इंडिया के। सो वही उस पर फोकस करो यार, स्ट्रिक बिल्ड करने पर कुछ नहीं होता। देखना यहाँ पे जो एनिमी का क्लैन था वो स्ट्रिक बिल्ड कर रहा था, 98 की स्ट्रिक बना भी ली थी, सपने में सोच रहे होंगे कि हम सेंचुरी मार देंगे, बट केआर अनस्टॉपेबल ने हंट कर दिया एंड उसका 98 का वहीं पे स्टॉप कर दिया स्ट्रिक, जो कि सेंचुरी का सपना था वो चूर चूर कर दिया। तो जो एनिमी के बंदे थे गाइज, उनकी शायद 2 साल से शायद वॉर नहीं हारे थे, तो सारी मेहनत पानी में चली गई। पानी में तो नहीं चली गई, बट ऐसा कुछ शायद 100 करना था उनको, तो ज़्यादा तो हेल्थ एडवांटेज नहीं मिला स्ट्रिक का। तो छोड़ दो, कुछ नहीं, क्लैन लेवल बढ़ता है पता है, बट 15 का क्लैन अगर आप वॉर करोगे 15 का, तो कैसे क्लैन लेवल बढ़ेगा यार। एटलीस्ट 30-40 का वॉर करो एंड देन स्ट्रिक पे फोकस करो। जब आपके पास 30 अच्छे बंदे होते हैं ना, तो तब ईजी होता है थोड़ा सा स्ट्रिक बिल्ड करने में। मतलब स्ट्रिक तो टूटनी है यार, कभी ना कभी तो टूटनी है, तो स्ट्रिक बिल्ड करने पर मैं तो सजेस्ट करता कि स्ट्रिक बिल्ड करने पर फोकस मत करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे क्लांस के साथ वॉर खेलो, फ्रेंडली वॉर्स खेलो, उसमें ही आप प्रो बन जाओगे। देन लीग्स वॉर खेलना, वहाँ पे दिखा देना कितने अच्छे हो। तो गाइस अभी जो चल रहा है ना, मतलब बहुत सारे बंदे जो क्लैन है उनकी ज़्यादा स्ट्रिक है, उन पे फोकस करे रहते हैं ताकि कभी ना कभी उनको हंट कर सके।
अगर आपकी सिक्योरिटी कितनी भी टाइट रहने दो, कितना भी प्राइवेसी हाई रहने दो अपने क्लैन का, कोई भी बंदा आप नहीं लो बाहर का, फिर भी आप लोगों को हंट कर सकते हैं बंदे, क्योंकि अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस भी ऐसे पड़े हैं, वेबसाइट्स पड़े हैं जहाँ पे आपके क्लैन की सभी डिटेल्स मिल जाती है। वो इलीगल है, ट्राई मत करो, आप यूज़ मत करना, इलीगल है वो, अकाउंट बैन हो सकता है, बट कुछ बंदे हंट के लिए यूज़ करते हैं तो चलो उनको करने दो। सो गाइस यहाँ पे देखना, नूबस्टार ने दो बेसेस फेल दिया आराम से, इसने भी सिक्स पैक मार दिया बट दो अलग अलग बेसेस से, दो अलग अलग अकाउंट से। तो यहाँ पे हम लास्ट वाला अटैक देखते हैं जो कि एनिमी के एक नंबर ने किया था, जिसमें 9 लाइटनिंग स्पेल, एक अर्थक्वेक, एक लावा जो कि टैंकिंग के लिए यूज़ किया था शायद, एयर डिफेंस के लिए, एंड ड्रैगन से गाइस। सो चलो देखते हैं, अभी इसने जो दो एयर डिफेंस थे वो पास में थे तो एक अर्थक्वेक में दोनों को डैमेज दे दिया, एंड तीन तीन जो लाइटनिंग स्पेल थे उनसे उनको डाउन कर दिया, देन सेकेंड थर्ड वाला एयर डिफेंस भी डाउन कर दिया। हीरोज यूज़ कर रहा है फाइनल के लिए, एंड अभी इस साइड पे ड्रैगन आ गए। सो जो एयर स्वीपर थे गाइस वो थोड़ा दिक्कत दे सकते थे, क्वीन भी थी वहाँ पे, एंड सीसी देखना थोड़े एक्सपीरियंस बंदे थे यार, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, 98 की स्ट्रिक थी, तो सीसी भी बहुत सोच के रखी थी, सारे आर्चर्स रखे थे प्लस एक बेबी ड्रैगन रखा था, बट सीसी ट्रूप्स ने कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं दी गाइस ड्रैगन्स को। तो बॉटम साइड पे टेस्ला फार्म निकला था, वो थोड़ा दिक्कत दे सकता था। ये जो अटैक था गाइस, वन वर्सेस वन, मतलब दोनों क्लैन का जो टॉप वाला बंदा था उनको एनिमी को ट्रिपल करना ही था, क्योंकि जो बंदा अगर ट्रिपल नहीं कर पाया सो टाउन हॉल 9 से टाउन हॉल 10 तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक ही टाउन हॉल 10 था दोनों क्लैन के पास। सो टॉप जो टॉप के बंदे थे वन वर्सेस वन उनको करना ही था। सो यहाँ पे वेरी क्लोज हुआ अटैक, बस लकी था थोड़ा बंदा ये एनिमी का, नहीं तो ये हार जाते वो, ड्रॉ नहीं होता, बट ऐसा बोल सकते थे कि इस बंदे की किस्मत थोड़ी अच्छी थी एंड ये बेस्ट ट्रिपल हो गया, नहीं तो जो एनिमी का क्लैन था ब्रैगा का वो हार जाते गाइस ये वॉर। वैसे भी स्ट्रिक जीत के भी, मतलब ड्रॉ करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होता गाइस, स्ट्रिक तो चली ही जाती है, आप लोगों को पता है ड्रॉ करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिक पे फोकस मत करो, क्लैन का लेवल बढ़ाने पे फोकस करो एंड लीग मैच खेलो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।